चलिए आ जाएगी क्वेश्चन आपके सामने। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। कहता है आसिमा लिमिटेड इशू 20,000 शेयर, तो जो इसने इशू किया है दैट इज 2 लाख शेयर, 10 रुपए का एक है, पेबल इन द इक्वल अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू कॉल। जब ऐसे बोल दे तो चार बातें बोल दी, टू कॉल भी बोल दिया, तो चार भागों में बढ़ जाएगा, दैट इज 2.5। यानी 2 लाख शेयर पे हर बार 5 5 5 5 लाख रुपए कॉल करा जा रहा है। कहता है आगे कि एप्लीकेशन जो रिसीव किया वो 2.5 लाख, हेयर एप्लीकेशन रिसीव जो हुआ वो 2.5 लाख। तो जब कभी भी ओवर सब्सक्राइब का केस आ जाए तो एक बात तो बहुत क्लियर है कि हमारे पास यहाँ पे जितने शेयर्स आपने मांगे हैं उतने नहीं मिलने वाले, क्योंकि एप्लीकेशन कहीं ज़्यादा आ गया हमारे पास। ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे कहते हैं कि ऑन 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 हाँ, वन एप्लीकेंट टू होम 1,000 शेयर वर अलॉटेड पेड फुल वाइल आपका रेमिटिंग द अलॉटमेंट मनी। तो यहाँ पे जब पहुंचे थे तो एक व्यक्ति ऐसा था जिसके पास 1,000 शेयर थे, वो फुल दे गया, 1,000 शेयर थे वो क्या दे गया, फुल। तो इसका मतलब उसने मुझे आगे के 2 कॉल्स क्या दिए, एडवांस में दिए। अनदर शेयर होल्डर हु अलॉटेड 1,200 शेयर फेल टू पे द फर्स्ट कॉल। एक और शेयर होल्डर था, दूसरा शेयर होल्डर आ गया जिसके पास कितने शेयर हैं, 1,200, ये हो गया फेल। जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है मैं ग्राफ बना रहा हूं। द रिमेनिंग शेयर होल्डर पेड द अमाउंट वेन कॉल एंड पे। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑल्सो रेलिवेंट, द कंपनी अलॉटेड शेयर एप्लीकेंट एज पर द सेबी गाइडलाइंस, मतलब सबको दिए हैं। द फर्स्ट कॉल वॉज मेड 4 मंथ आफ्टर द अलॉटमेंट। मतलब कहने का मतलब है साहब कि इनके बीच में जो गैप है, इनके बीच में गैप यानी यहां से यहां तक का गैप जो है ना वो 4 महीने का है। तो इंटरेस्ट निकालने के काम आएगा, इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, उसकी एंट्री कैसे करेंगे बताऊंगा, 4 महीने का, ठीक है। आगे कहता है एंड द फाइनल कॉल मेड 6 मंथ आफ्टर फर्स्ट कॉल। और साहब जो इसके बीच में गैप है ना, इसके बीच में गैप यानी यहां से यहां, इसके बीच में 6 महीने का गैप है। यानी हम अलॉटमेंट के बाद जब पैसा मांगेंगे तो ठीक 4 महीने बाद मांगेंगे, तो जब फर्स्ट कॉल के बाद मांगेंगे तो कितने महीने बाद मांगेंगे, 6 महीने बाद। द कंपनी रिसीव द कॉल्स, आगे क्या कहता है, द कंपनी रिसीव द कॉल्स इन एरियर 1,200 रुपए, कॉल्स इन एरियर 1,200 शेयर शेयर 4 मंथ आफ्टर द फाइनल कॉल बिकम ड्यू। भैया ये यहां तो फेल हुआ लेकिन ये शेयर होल्डर यहां आके पेड कर जाता है, समझ रहे हो। अभी तक हमने ये देखा था कि अगर कोई शेयर होल्डर एक जगह फेल होता है तो टू बी कंटिन्यू, लेकिन यहां पे क्या हुआ, यहां पे तो फेल हुआ लेकिन वो आगे जाके क्या कर गया, पेमेंट कर गया। आफ्टर द फाइनल कॉल बिकम ड्यू, फाइनल कॉल ड्यू होने के बाद विद इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, अज्यूम दैट द कंपनी अलॉट ओनली द शेयर ऑफर टू द सब्सक्रिप्शन पास जर्नल एंट्री, कंपनी पेड इंटरेस्ट ड्यू और डेट ऑफ द फाइनल कॉल कैश एज पर टेबल एफ के हिसाब से, ये ड्यू वगैरह का आप निकालो। तो बड़ी सीधी सी बात है और बड़ा सिंपल सा बात है कि कंपनी को जो भी हमारा था, जैसे कि जो भी हमने कंपनी का था, तो कहता है कि भाई हमने अज्यूम किया कि ऑफर जो था यानी उसी को मिले जिसने मांगे। इसका मतलब यहाँ पे 50,000 शेयर जो है वो हो जाएगा रिजेक्ट। लाइन पढ़ते हैं कहाँ से, अज्यूम दैट कंपनी अलॉट ओनली द शेयर ऑफर फॉर सब्सक्रिप्शन, मैंने इतने ही अलॉट करूंगा जितना सब्सक्रिप्शन के। इस लाइन से पता चला कि भैया तो इतने ही अगर दिए हैं तो बाकी क्या किए होंगे, रिजेक्ट कर दिए हैं। पास जनरल एंट्री, कंपनी पेड द इंटरेस्ट ड्यू फ्रॉम इट ऑन द डेट ऑफ फर्स्ट कॉल इन कैश, सॉरी फॉर द
आपका फाइंड कॉल, फाइंड यहाँ पे गलत लिखा गया, टाइपिंग होगा, ये फर्स्ट कॉल पे कैश में दे दिया हुआ, टेबल एफ वेन एवर नीड। टेबल एफ किस लिए इस्तेमाल होता है सर? टेबल एफ इस्तेमाल होता है इंटरेस्ट को निकालने के लिए। इंटरेस्ट निकालने के लिए कॉल्स इन एडवांस पे टेबल एफ बोलता है 12% और एरियर पे बोलता है 10%। पूरा का पूरा क्वेश्चन फाइनल कॉल, फाइनल कॉल पे फेल है सर, सर फाइनल कॉल पे फेल है सर। ये पीडीएफ की, इसका पीडीएफ नहीं है, ये तो बुक का ही, आपको बुक लेना पड़ेगा ये तो। चलिए फिलहाल पहले हम क्वेश्चन धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे और करते जाएंगे। हालांकि देखिए क्वेश्चंस के अंदर ना आपका सिंपल ही क्वेश्चन है, लेकिन एग्जामिनर एक पॉइंट से घुमा सकता है आपको इसमें। जो जगह कम पड़ेगी हम नीचे एडजस्ट कर लेंगे। पहली एंट्री करेंगे हम सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कितने रुपए से सर? सिर्फ 2,00,000 से, इनटू में सॉरी 2.5 से और 2.5, तो कितने हो जाएंगे? 25 × 25 6,00,000, शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और जिसके पैसे नहीं लेने उसको बैंक से वापसी कर देना है। तो यहां पे देखा जाए तो 6,25,000 और इक्विटी शेयर कैपिटल में कितने जाएंगे सर? 5,00,000 ही जाएंगे, क्योंकि हमारे पास 2,00,000 × 2.5, बैंक से चला जाएगा 1,00,000। अब शेयर अलॉटमेंट मांगते हैं, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो यहां पे 2,00,000 × 2.5 दैट इज 5,00,000, 5,00,000, ठीक है। इसके बाद आ जाएंगे सर, बैंक में पैसा आएगा, लेकिन बैंक में जब पैसा आएगा तो यहाँ पे क्या ट्रेजेडी हुआ हम एक बार पढ़ लेते हैं। आना तो हमारे पास 5,00,000 चाहिए, लेकिन कहता है कि एक व्यक्ति जिसके पास 1,000 शेयर था पे फुल अमाउंट और शेयर होल्डर 1,200 फेल टू पे फाइनल कॉल, फेल टू पे फाइनल कॉल द रिमेनिंग शेयर होल्डर पे ड्यू ऑन कॉल अपॉन द फॉलोइंग द फर्स्ट कॉल मेड 4 months आफ्टर अलॉटमेंट डेट फाइनल कॉल मेड 6 months। यहाँ पे कुछ बच्चे कह रहे थे मैंने गलत पढ़ लिया सर, सर ये बीके गोयल बुक है, नहीं जे आर मोगा है। 1,000 शेयर वर अलॉटेड पेड फुल रिमेनिंग द अलॉटमेंट मनी एंड अदर शेयर होल्डर हु अलॉट 1,200 शेयर फेल टू पे फाइनल कॉल। और यहाँ पे हमने ये भी देखा था फाइनल कॉल पे द कंपनी रिसीव द कॉल्स इन एरियर 4 months आफ्टर द फाइनल कॉल, यानी सिंपल सी बात है फेल है। मैं यहाँ से थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, हाँ बच्चे बता भी रहे थे सर ये लिखा है तो मैंने देख लिया था, तो क्वेश्चन कहता है कि जो दूसरा फेल हुआ है ना इसने तो फुल पैसे दिए, फेल यहाँ हुआ है फाइनल कॉल पे कितने शेयर, और ये यहाँ के ठीक 4 महीने बाद हमें पैसे दे गया, यहाँ के 4 महीने बाद पैसे दे, ठीक है। तो अब बैंक के अंदर जो पैसा आएगा, जो ये व्यक्ति है ये पर्सन, वो अलॉटमेंट के तो दे ही रहा है, साथ के साथ आगे के एडवांस देगा, तो मतलब ये वाला पार्ट एडवांस देगा 5 रुपए, तो इसमें 5,000 और एड ऑन हो जाएंगे, तो जो पैसा बैंक में आएगा 5,00,000, 5,000 और टू साइड में आ जाएगा हमारा शेयर अलॉटमेंट और टू कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस अलॉटमेंट में चला जाएगा 5,00,000 और यहाँ पे 5,000। अब आ जाएंगे शेयर फर्स्ट कॉल पे, टू इक्विटी शेयर कैपिटल,
यहाँ पे आ गया हमारा, वेरी सिंपल सी बात है, यहाँ पे भी आ जाएगा 5 लाख और 5 लाख। लेकिन जब बैंक में पेमेंट लेने जाएंगे तो जो एडवांस देंगे वो नहीं देगा, दैट इज 5 लाख में से माइनस 2500। सर आपने तो एडवांस 5000 लिया लेकिन माइनस 2500 क्यों? क्योंकि 5000 वो दोनों जगह के थे, तो फर्स्ट कॉल का तो 2500 होगा। 5000 कैसे आया? इसको याद करो, ये पूरे पैसे दे गया तो 1000 इंटू में आगे के दो कॉल दे गया ना, वो यहाँ पे दे के जा रहा है तो आगे के दो कॉल दे गया, तो ढाई ढाई इंटू 5 करके 5000 निकाल दिया। अब बैंक में 2500 490 500 और कॉल्स इन एडवांस 2500 और 2 शेयर फर्स्ट कॉल पूरे 5 लाख। अगला कॉल करेंगे शेयर फाइनल कॉल, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, हियर इज 5 लाख। इसके बाद बैंक में पेमेंट आएगा। अब यहाँ पे 5 लाख आना था तो एक तो एडवांस का पैसा नहीं आएगा और एक फेल हो गया उसके भी नहीं आएंगे, तो 1200 × 2.5 कितना आएंगे? 2.5, 3000 नहीं आएगा। 5 लाख माइनस 2500 माइनस 3000 यानी 494 500। ये 3000 कैसे आया इसके डिटेल दे दूं, 1200 × 2.5, ये भी एरियर है, ये एरियर है और ये एडवांस है, तो एरियर क्या होगा? कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर कितने होंगे? 3000। कॉल्स इन एडवांस 2500 और 2 शेयर फाइनल कॉल, अभी इंटरेस्ट की एंट्री अभी मैंने करा नहीं है, तो फाइनल कॉल कितना होगा? 5 लाख सिर्फ 5 लाख। ठीक है, अभी कॉल सिनेरियर का किया नहीं है, एक बार कॉल सिनेरियर वाली कुछ लाइनें, थोड़ा सा लाइन ऐसा है जो कि आपको समझ, देखो क्वेश्चंस तो आपको करके तभी फायदा मिलेगा जब आपको लाइन समझ में आ जाए। लाइन क्या कहता है साहब? कहता है द कंपनी रिसीव द कॉल्स इन एरियर 1200 आफ्टर 4 मंथ, यानी ये पैसा भी मेरा 4 महीने के लिए ब्लॉकेज रहा, तो इसके इंटरेस्ट हमें लेने हैं, पहले तो ये क्लियर कर लो। ठीक है, द फाइनल कॉल बिकम ड्यू विद इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, और फाइनल कॉल आप ड्यू करोगे जब भी तो उसमें इंटरेस्ट कॉल्स इन एरियर के साथ आप करना ड्यू जब भी होगा। फाइनल कॉल बिकम ड्यू विद इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, ठीक है सर। आगे कहता है अज्यूम दैट द कंपनी अलॉटमेंट ओनली द ऑफर्ड सब्सक्रिप्शन पास जर्नल एंट्री, द कंपनी पेड इंटरेस्ट ड्यू फ्रॉम इट ऑन द ड्यू डेट ऑफ, ये फाइंड लिख दिया है और यहाँ पे कुछ एरर हो सकता है, फाइनल कॉल होगा एज पर टेबल एफ। तो पहले हम ना इंटरेस्ट निकालना सीख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद टू बी कंटिन्यू करेंगे। तो मैं अगले पेज पे चलता हूँ इंटरेस्ट निकालने के लिए, आपको पहले इंटरेस्ट निकालना सिखा दें हम कि कैसे निकलेगा। बहुत सिंपल सी बात है, ये हमारे पास एक टाइम लाइन है, ठीक है, एक बड़ा सा टाइम लाइन ले लेते हैं तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये हमारा है, मान लेते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन, ठीक है, इससे चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे तो ठीक कितने महीने बाद अलॉटमेंट आएगा, ऐसे चलते गए चलते गए चलते गए, तो ऐसा क्वेश्चन में बताया ही नहीं कि इसके कितने देर बाद अलॉटमेंट आएगा। मान लिया ये अलॉटमेंट आ गया, लेकिन क्वेश्चन ने ये जरूर बताया गया कि इससे चलते जाओगे चलते जाओगे चलते जाओगे चलते जाओगे तो आपका क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा चलने के बाद? फर्स्ट कॉल। और इसके बीच का गैप क्वेश्चन ने बता रखा है कितने महीने? 4 महीने। इसके बीच का गैप, फिर फर्स्ट कॉल के बाद चलना स्टार्ट करोगे, चलते जाओगे चलते जाओगे चलते जाओगे तो क्या आएगा? फाइनल कॉल आ गया, दैट इज फाइनल कॉल।
यहाँ पे आपका 6 मंथ का गैप है, फिर यहाँ से चलना स्टार्ट करोगे, जो ये लाइन है, फाइनल कॉल हो गया, अब आपको कॉल सिनेरियर का पैसा मिलेगा, तो चलते जाओगे चलते जाओगे चलते जाओगे, तो ये वैसे कोई कॉल नहीं है, यहाँ पे आपको एक पैसा और मिलेगा, कैश रिसीव करोगे कौन सा, एरियर का, इसके बिटवीन कितना गैप है, 4 महीने, पहले तो ये टाइम लाइन समझो, समझ में। अब यहां पे एक व्यक्ति था जिसके पास 1,000 शेयर थे, उसने हमें एडवांस दिया, तो एडवांस ऑब्वियस सी बात है, उसने अगर यहां एडवांस दिया तो उसको ब्याज मिलना चाहिए यहां से लेके यहां तक का, ठीक है, लेकिन इसने एडवांस जो दिया वो कितना दिया हमें, 5,000, तो मैं इसके 5,000 को एडवांस को अगर लेके चलूं, इसका 5,000 रुपये एडवांस है, इस बात से एग्री करते हो कि सर इसका 5,000 एडवांस है, अगर इस 5,000 को मैं लेके चलूं तो आपको ये देखना होगा क्या ये 5,000 यहां से लेके यहां तक लेके चल रहे हैं, तो जवाब है नहीं, ये 5,000 चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए, कुछ यहां पे खर्च हो गए, एडजस्ट हो गए, ठीक है, यानी यहां से यहां तक तो 5,000 चला, इसके बाद यहां पे हमने 2,500 रुपए एडजस्टमेंट लगाए, बचे कितने, अब जो यहां से हम लेके चले वो 5,000 लेके नहीं चले, यहां से चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए, तो कितना लेके चले, 2,500, यानी यहां से यहां तक लेके चले हम 2,500, तो जो हम यहां से लेके यहां तक 4 महीने पे ब्याज निकालेंगे वो 5,000 रुपये पे निकालेंगे, तो जो इंटरेस्ट निकलेगा, देखिएगा ध्यान से, स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, आराम से देखिए, हम निकालेंगे भैया 5,000 रुपये 4 महीने का, और अगर आपको इंटरेस्ट रेट नहीं दे रखा तो एज पर टेबल है 12%, तो 12% निकाले तो 12/100 इंटू में 4/12, तो यहाँ का ब्याज जो निकल के बना, सर कंपनी एक्ट में टाइम पीरियड स्पेसिफिक होता है कि एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, ऐसा सच नहीं है, हाँ अगर लॉ की बात करो तो होता है कि मिनिमम इतने टाइम का, मतलब कि आपको गैप रखना पड़ता है मांगने के लिए, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, ₹200, एक तो ये ब्याज हमें लेना है, मैं यहां कैलकुलेशन कर रहा हूं जो शेयर होल्डर को लेना है, यानी कंपनी देगा, ठीक है, अगली बात करते हैं, अब यहां से चले लेके, तो यहां से यहां तक 6 महीने का ब्याज, लेकिन किस पे 6 महीने का ब्याज, 2,500 इंटू 12/100 इंटू 6/12, 2,500, 150 रुपये, यहां तक समझ में, अब यहां से लेना है, यहां से यहां तक 4 महीने का लेना है, कितना था हमारा फाइनल कॉल पे कॉल सिनेरियर सर, 1,200 इंटू में 2.5 दैट इज 3,000 लेना है ये हमें, तो अगर हम यहां से यहां चले लेने के लिए तो 4 महीने का, तो इंटरेस्ट इसका कैसे निकालेंगे सर, 3,000 इंटू में 10%, अब क्योंकि लेने की बारी आएगी तो 10% एरियर पे 10% इंटू में 4/12, 3,000 इंटू में 10%, 10/12 इंटू में 400 रुपये, तो बड़े सिंपल से कैलकुलेशन निकला कि हमें ये दोनों इंटरेस्ट शेयर होल्डर को देने हैं और ये लेने हैं, पहले यहां तक देखिए, पहले आपको इंटरेस्ट का वर्किंग नोट क्लियर समझ में आ गया, सर नेटवर्क इशू आ रहा है, सेकंड एंट्री भी देख लेते हैं, हाँ बताओ, हाँ आप वैसे भी निकाल सकते हो, ठीक है, हाँ पूरा टोटल करो 350 आएगा, टोटल करो
सर एरियर एंड एडवांस दोनों करेंगे डेबिट। जब एरियर होता है डेबिट ही होगा हमेशा, बट जब एडवांस आप लेते हो तो क्रेडिट, और एडजस्ट करते टाइम पे डेबिट। अभी देखना एरियर भी क्रेडिट हो जाएगा। ये कैश एरियर क्या है? कैश एरियर, अच्छा कैश लिखती है मैं, मतलब कैश रिसीव हो गया। जो एरियर वाला था ना वो कैश रिसीव हो गया इस डेट पे। ठीक है, किसी को यहां तक कोई दिक्कत? अब एक बार आ जाए बैक टू क्वेश्चन पे। सर 5,000 आया 2.5 और 2.5, 2.5 फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, तो लिखा गया है। चलिए एक बार फिर इस लाइन को एक बार पढ़ लिया जाए। इस लाइन में बहुत सारी बातें छुपी हुई है, जो कि अब आपको इंटरेस्ट वाली बात समझ में आ जाएगी जब मैंने पढ़ा। कहते हैं द कंपनी रिसीव कॉल सिनेरियर, जब कॉल सिनेरियर रिसीव करेगा 1200 का, 4 महीने बाद रिसीव करेगा, 4 मंथ आफ्टर फाइनल कॉल, ठीक है, बिकम ड्यू विद द इंटरेस्ट कॉल सिनेरियर। उस टाइम पे जब आप एंट्री करोगे रिसीव करने की, तो कॉल सिनेरियर की इंटरेस्ट के साथ, समझो बात को। लाइन क्या कह रहा है कि कंपनी का जब कॉल सिनेरियर रिसीव करेगा, तो कॉल सिनेरियर रिसीव कब करेगा? टाइमलाइन के हिसाब से देखो, कॉल सिनेरियर तो सर यहां पे हुआ है, तो इसके 4 महीने बाद होगा। तो इस टाइम पे जब आप कॉल सिनेरियर वाली एंट्री करोगे, यहाँ पे तो आपका ड्यू हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे पैसा आपका रिसीव होगा। तो जब बैंक अकाउंट करोगे तो उस टाइम इंटरेस्ट की भी एंट्री करनी है, ये कहता है। ये देखो पढ़ो, 4 मंथ आफ्टर फाइनल कॉल बिकम ड्यू विद इंटरेस्ट कॉल्स इन एरियर अज्यूम कंपनी अलॉट ओनली। तो इसका मतलब यहाँ पे आपसे कॉल्स इन एडवांस की एंट्री ही नहीं पूछ रहा, सिर्फ किसकी बात कर रहा है वो, कि ये पैसा रिसीव होगा। मैं यही करके दिखाता हूँ, चलो ये पैसा रिसीव होगा, कितना पैसा रिसीव होगा सर? 3,000। कितना रिसीव होगा? जब ये 3,000 एरियर था वो तो फाइनल कॉल पे हो गया, जब रिसीव करेंगे तो मैं एक पहले टेंटेटिव बता दूं, हमारे बैंक में पैसा आएगा ना? बैंक में पैसा आएगा या नहीं आएगा? सर आएगा। सर कितना पैसा आएगा? 3,000 ये वाला आएगा, और जमा इंटरेस्ट भी तो आएगा, जिससे मैं पैसे रिकवर करूंगा इंटरेस्ट। तो बैंक में कितने आ गए? 3,100। अब किस किस के आए? कॉल सिनेरियर के आए 3,000, और इंटरेस्ट ऑन कॉल सिनेरियर 3,100। क्या है? तो ये एंट्री आपको 4 महीने बाद करके दिखाना है। क्या इसकी जनरल एंट्री करनी है? नहीं करनी, सिर्फ क्वेश्चन ने इसका डिमांड किया है, तो सिर्फ हमें ये करना है। कब कहाँ करना है? इस एंट्री के जस्ट आफ्टर 4 मंथ में सेम एंट्री जो किया है वही आपको लगाना है। क्या सर? बैंक टू कॉल्स इन एरियर और टू इंटरेस्ट। एक बच्चा मेरे से पूछा था सर कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस दोनों डेबिट होते हैं, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। जब कॉल्स इन एरियर होगा तो डेबिट होगा, और जब कॉल्स इन एडवांस होगा तो क्रेडिट होगा, लेकिन जब कॉल्स इन एरियर मिलेगा तो क्रेडिट हो जाएगा, और कॉल्स इन एडवांस जब एडजस्ट होगा तो डेबिट हो जाएगा, ठीक है ना? तो ये फंडा रहता है, तो यहाँ पे आपका नॉर्मल आ जाएगा 3,100, 3,000 और 100। ये था हमारा पूरा, जो क्वेश्चन ने रिक्वायरमेंट था वो पूरा किया। बताइए कोई डाउट? कौन सी एंट्री? ओ, क्वेश्चन प्लेस करता बाद में, लास्ट में इकट्ठा कर सकते थे, या फिर हर, जैसे कि ये फर्स्ट कॉल ड्यू हुआ इसके बाद इंटरेस्ट की, तो इंटरेस्ट को आपको पहले एक बार ड्यू करना था, और फिर हमें एक बार पेमेंट, क्योंकि हम पेमेंट करेंगे ना। तो एंट्री अगर देखा जाए तो क्या होगा सर? आपका इंटरेस्ट ऑन एडवांस और टू, जो प्लेस बोला जाएगा उस प्लेस पे कर देंगे। सर हम यहाँ इक्विटी शेयर कैपिटल क्यों लिखा है? व्हाई नॉट शेयर कैपिटल?
मर्जी है आप पे, क्योंकि शेयर कैपिटल लिखिए, शेयर कैपिटल लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। एरियर की इंटरेस्ट की कैलकुलेशन बता दो, एरियर की इंटरेस्ट की कैलकुलेशन आप देखिए, ये रहा आपके सामने। एरियर हमारा था 1200 शेयर फाइनल कॉल पे, ₹2.5 का एक, 3000, तो ये 3000 मेरा 4 महीने तक बाकी था, तो 3000 पे मैंने 4 महीने का इंटरेस्ट निकाला, दैट इज ₹100। कैलकुलेशन आप कर लोगे। सर सेकंड एंट्री में बैंक की जगह पे एडवांस, सेकंड एंट्री में बैंक की जगह पे एडवांस, नहीं, जब तक क्वेश्चन एडवांस के बारे में ना बोले, एडवांस के बारे में ना बोले तब तक आपको एडवांस नहीं लेना है, आप रिजेक्ट कर दो उसको। ठीक है, बताइए यहां तक क्लियर हुआ आपको सर? कोई दिक्कत इसमें? तो कोई एक आध क्वेश्चन और देखें, तो आप देखेंगे आपके पास वैसे सॉल्यूशन भी है, तो लास्ट में बैंक ये वाली एंट्री जो है आपको, इसने एडवांस वाली भी कर दी है, तो आप भी करना चाहो तो कर सकते हो। 31 एंट्री करी है इन्होंने टू बैंक, जो मैंने कर रहा था, ठीक है ना, समझ में? दोनों अमाउंट को ऐड कर दे, आ रहा है समझ में? 350 कैसे है, वैसे प्लेस पे होना चाहिए, ठीक। हाँ ये अलग ही करते हैं नॉर्मली, लेकिन क्वेश्चन बोल देता है उस टाइम पे। इसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम आ गया है, ये तो सिंपल है, ये होमवर्क में देंगे। चलिए शेयर फॉरफीचर देख लेते हैं, जो हमारे पास समय बचा हुआ है। या पहले नोट करोगे आप बताओ, पहले नोट करोगे वो वाला? अच्छा 3000 और 2500, समझ रहे हैं आपको 3000 कैसे आया और 2500? लास्ट एंट्री दिखाना है, ये देखिए आप 3000 की बात कर रहे हैं ये वाला, तो आप मल्टीप्लाई करिए 1200 इंटू में 2.5, और 2500 बात कर रहे हैं तो 1000 शेयर इंटू में 2.5 करेंगे, बुक का नाम है JR मोगा, मार्केट में अवेलेबल है, अपने ग्रुप में जाएंगे, चैट बना हुआ है और चैट में पिंग है, आप वहां से जाके इसको अमेजोन से बाय कर सकते हैं, नियर बाय जहां भी शॉप मिलते हैं वहां से भी बाय कर सकते हैं।